इसको ये उसके घर खेल रही थी, इससे पता किसके घर खेल लिया गया, वो लड़का जो था दानिश। फिर क्या हुआ? फिर इसको लिया गया अजमतगढ़ रोड पे, उसका है टेंट हाउस का घर बड़ा सा लंबा सा, उसी में इसे ले गया और ले जाकर फिर आया अपने घर रखा, कहा कि इसका कपड़ा दो, मम्मी मैं इसे नहाएगी। जब हम कपड़ा दे दिया, हम नहीं गए, हम क्या जाने, रोज़ रोज जाती आती थी, एकदम बाजू में था घर, बच्चे रात दिन खेल रहे थे उसके घर में। आज जब ये कपड़ा ले गया, जब ये नहा कर आई पूरा इसका एकदम खून से तर, फिर एकदम हम उस पर बाथरूम पे खड़ा करा दिया, एकदम हर हर भर के चला जा रहा। उसके मम्मा को बुलाया, कहा देखिए आपके घर गई थी। भाभी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या, ले चलिए डॉक्टर कन, डॉक्टर कन ले गए, डॉक्टर एकदम साफ बता रहे हैं। आज थाना जियनपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार होने की घटना सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा जो अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त उसके घर के सामने रहने वाला है तथा उसका इसके घर पर आना जाना था और उसके घर से काफ़ी निकट के संबंध उस नवयुवक के थे। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और शेष कार्रवाई की जा रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,